तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ जीमान इफेक्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ऑफ द मैटर, तो इसमें हम जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं और आपको क्लियर भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो e से रिप्रेजेंट किया है, मास m से, और वेलोसिटी v से, और इसका जो रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो r से डिनोट किया है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो v आप देख पा रहे हैं ये लीनियर वेलोसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये जब ऐसे घूमता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा से डिनोट किया है। तो पहले पार्ट में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है रिक्वायर्ड है फॉर दिस इलेक्ट्रॉन उसको आप डिफाइन करते हैं mv स्क्वायर अपॉन r से। जब मैं v की वैल्यू पुट करता हूं दैट इज इन टर्म्स ऑफ ओमेगा r ओमेगा, तो वो वैल्यू हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट ओनली दिस mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये पहला स्टेप है क्लासिकल थ्योरी का जिसके थ्रू जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें टू लाइंस क्यों हैं और थ्री लाइंस क्यों हैं। उसके बाद आपने क्या किया, इस एटम को आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ इसका जो रिवॉल्विंग है इलेक्ट्रॉन का, ये क्रॉस क्या है इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अब क्या होगा कि because of the external magnetic field there will be a force applied on the electron, ab electron par kya hoga ek external force lagega jiski value aap log jante hain aur pata hai jisko define karte hain bhai qvb sin theta, to formula hua qv cross b aur wahan se aapne isko derive kar diya hai qvb sin theta where theta is the angle between velocity and this magnetic field, right? So here now q is electron charge, v is the linear velocity, theta is 90 degree because magnetic field is perpendicular to the velocity, so here you will write this one, so this is the magnetic field, aur ye magnetic field kahan lagta hai, ye electron par lagta hai। तो जब इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा क्या ये इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्टर्ब करेगा, यस इट विल डिस्टर्ब द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उससे क्या चेंज आएगा, उससे चेंज आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर, यहां जो आप ओमेगा देख पा रहे हैं जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा मैग्नेटिक फोर्स लगा तो उसकी वजह से इसमें क्या चेंज आएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, राइट? तो वो कितना चेंज है, राइट? उसको हम सपोज करके चलते हैं कि सपोज दैट इज डी ओमेगा, तो यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी उसमें ये आपका पार्ट ऐड हो जाएगा, तो द इलेक्ट्रॉन, यहां मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं कि एफ सी प्लस ई वी बी इज इक्वल टू, यहां अब ये प्लस माइनस ई वी भी लिखते हैं, इस इक्वेशन को कैसे समझे, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ ये आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर, इस फील्ड की वजह से आपका क्या हुआ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा ऑन द इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से क्या होगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा। लेकिन अब दो पॉइंट है, अभी यहां ये क्लियर नहीं किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। तो अगर मैं कहूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, राइट, तो इस ये वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से होगा, तो अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो आप लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आपकी ऑब्वियस है अपर साइड में होगी, इस साइड में होगी, तो जो फोर्स है आपका वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, राइट? तो ये इस तरीके से अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है, राइट, तो यहां जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, राइट? और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है,
वो भी टूवर्ड्स द सेंटर है. तो अब इस केस में क्या होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज है, यहां मैं इसको आप मेंशन कर दूं कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर फोर्स जो है वो ऐड होगा EVV, और जब क्लॉकवाइज चलेगा तो ये सबट्रैक्ट क्यों होगा. लेट अस सी कि सपोज किया अब डायरेक्शन जो है लीनियर, जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहां अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है राइट, और वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को, तो ये अब हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन राइट. तो ये अब आपका आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ जब ये क्लॉकवाइज है, तो ये इस साइड को हो जाएगा. तो इसलिए सेंट्रिपिटल फोर्स में से ये जो अभी एक्सटर्नल फोर्स लगा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टोटल जो फोर्स होगा इन बोथ दी केसेस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द रिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है राइट उस केस में, तो दिस विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो अब ओमेगा के अंदर जो चेंज आया है डी ओमेगा का, उस कॉम्बिनेशन के साथ अब हम इसको लिख पाएंगे राइट हैंड साइड को. आई होप कि मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि जब फोर्स एड या सब्ट्रैक्ट हुआ है तो वहां जो एंगुलर वेलोसिटी है या तो उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, तो उसमें जो भी चेंज आया है तो हम उसको अभी प्लस डी ओमेगा की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो अभी एम आर ओमेगा स्क्वायर जो हम लोग लिख रहे थे अब उसमें सपोज किया डी ओमेगा का चेंज आया है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस रिजल्ट एफ सी प्लस, इसकी वैल्यू भी पुट कर दें तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ई वी बी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम आर डी ओमेगा होल स्क्वायर प्लस टू ओमेगा एंड दिस डी ओमेगा. दिस वैल्यू कैंसल आउट, सो यू हैव दिस प्लस माइनस ई वी बी इज इक्वल टू एम आर. अब ये देखिए कि ये जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है दिस चेंज इज वेरी स्मॉल, एंड फर्दर स्क्वायर ऑफ इट जब आप करेंगे तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस टर्म जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो वी गेट ओनली दिस 2 ओमेगा डी ओमेगा. यहां से जब ये डी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो लिखते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी अपॉन 2 एम. एम आर इनके साथ में था तो यहां पे एम आर भी साथ में है राइट, तो मुझको ये एम आर ऐसा लिखना होगा. अब यहां वी है और ये आर और ये ओमेगा, यू नो कि वी इज इक्वल टू, ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सीक्वेंस में हो सकता है कि आपको जरा सा डिस्ट्रैक्शन आया है, ये मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ. तो यहाँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, यहाँ से जो वैल्यू पुट करे थे उसको एक्सपेंड किया, इस टर्म को इग्नोर किया, ये यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये दोनों कैंसल आउट, सो यू हैव दिस EVV इज इक्वल टू 2 ओमेगा d ओमेगा mr, v से r ओमेगा कैंसल आउट, सो यू हैव दिस d ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस EB अपॉन 2 m. सो दिस इज द चेंज, ये प्लस माइनस जो अभी हम बोल रहे थे तो ये प्लस माइनस चेंज ये होगा d ओमेगा प्लस EB अपॉन 2 m, d ओमेगा हो सकता है माइनस EB अपॉन 2 m. सो जो चेंज था चेंज इनटू एंगुलर वेलोसिटी उसकी वैल्यू कितनी आई EB अपॉन 2 m. E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट, तो ये दीज थ्री E 2 m ये कांस्टेंट है फॉर द इलेक्ट्रॉन, बट B आप वेरी कर सकते हैं, B वेरी होगा, ऑब्वियस है कि यहाँ पर ओमेगा वेरी होगा,
उसको जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये यहां से क्लियर है. उसकी वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, राइट. सो ये पार्ट यहां से क्लासिकल थ्योरी से क्लियर हुआ है. अब ओमेगा को हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. सो डी ओमेगा इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे अभी फ्रीक्वेंसी की टर्म में, राइट. सो डी ओमेगा को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू न्यू तो ये हो जाएगा 2 पाई, दैट मींस डी ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई न्यू. फर्दर ये न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है जिसको आप लिख सकते हैं सी लैम्डा माइनस 1. अगर न्यू को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डी न्यू अपॉन डी लैम्डा यू विल गेट दिस माइनस 1 सी लैम्डा माइनस 2 दैट मींस माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर. सो डी न्यू अगर आपको लिखना है तो डी न्यू यू कैन राइट माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड दिस डी लैम्डा. तो ये जो कुछ वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू यहां पे पुट करनी है तो कैसे पुट करते हैं उसी को लिख. सो हियर माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड दिस डी लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी अपॉन 4 पाई एम. And from here, you can drive it for the D-lambda that is called Zeeman shift is equal to plus minus, ये minus plus हो जाएगा, it says there is no difference here, so plus minus lambda square upon C, E V upon 4 pi N. So अभी जो जीमान इफेक्ट में आप देख रहे थे कि 2 लाइंस हैं या 3 लाइंस हैं उनके बीच जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आया था वो कितना था, वो डेल्टा न्यू है, राइट. डी न्यू है और डी न्यू साइन की अगर वेवलेंथ में आप डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें तो वो इस फॉर्मूले को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उतना वो चेंज आ जाएगा. लेकिन यहां से ये कैसे पता लगेगा कि आप जो क्वेश्चन है कि ये 2 लाइंस हैं या 3 लाइंस हैं, 2 लाइंस कब दिखाई पड़ती हैं और 3 लाइंस कब दिखाई पड़ती हैं, तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक यूज किया है. उस ट्रिक में क्या है कि जो आपका लीनियर वेलोसिटी है उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, राइट. एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक लीनियर कंपोनेंट है, सॉरी एक आपका परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहां पे ये जो आपका वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को एक्चुअली यू कैन से कि रिजोल्व किया है इनटू 2 कंपोनेंट्स. वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है. सो इस पिक्चर को आप थोड़ा सा ऐसा देख लें कि जो वेलोसिटी है वो ये है लीनियर वेलोसिटी और इसका जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और इसको पैरेलल कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है. यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो एक कंपोनेंट इसका आपका जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट है. इसको मैं vx और vy भी लिख दूं अभी फॉर द पर्पस तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और v के साथ में एंगल थीटा है. तो अब ये जो दो पार्ट हम अभी बोल रहे थे कि ये 2 लाइंस हैं या 3 लाइंस हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट में, तो ये क्लासिकल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर पाई एक्चुअली. तो पॉइंट अब यहां ये है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं. एक पॉसिबिलिटी तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं आप इसको और दूसरी बोल सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट. तो इनके जो रोटेशन है ये जो लाइन है एक्चुअली अब ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है ये रोटेशन को शो करती है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है और उसी के रेस्पेक्ट में वहां पे जो आपका ऑब्जर्वेशन है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो क्लियर हुआ है. लीनियर मोशन इसको मैं आपको थोड़ा बोल दूं कि ये लीनियर मोशन
को रिप्रेजेंट करती है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रिजोल्व किया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन यू सी इट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अभी एक स्टेटमेंट आया था कि जब आप स्पेक्ट्रम को देखते हैं पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो आपको कितनी लाइन दिखाई पड़ती है, आपको ये दो लाइन दिखाई पड़ती है, एक ये और एक ये. लेकिन जब आप परपेंडिकुलर देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड राइट विद रेस्पेक्ट टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द जो आपका इलेक्ट्रॉन है राइट अगर आप उस एंगल से देखते हैं तो ये थ्योरी बोलती है कि इन एडिशन टू द टू ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये भी आपको दिखाई पड़ती है जो कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू जीरो है जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और यहां इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है. तो यहां ये थोड़ा सा ये जो रिप्रेजेंटेशन है और इस रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा डाइजेस्टेबल नहीं है राइट जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो तो ठीक है लेकिन नॉर्मल वे में ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस कि मैच कंसेप्ट का मैचिंग नहीं हो पाता है. तो ये जो क्लासिकल थ्योरी थी ऑफ लॉरेंज की ये फर्स्ट पार्ट था नॉर्मल जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का राइट. इन द नेक्स्ट सेगमेंट जो थर्ड सेगमेंट है उसमें हम देखते हैं कि जीमान इफेक्ट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट की इंट्रैक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी. तो अब ये नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का है राइट और वहां पर ट्रांजिशन जो होगा इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वो जो सिलेक्शन रूल है वो कैसे रोल प्ले करता है तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो ये जो पार्ट था ये जो फोकस किया था केवल क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट है जिसको आप बोलते हैं कि लॉरेंज ने इसको डिस्क्राइब किया था तो ये वो थ्योरी था. आई होप कि यू गेट सम आइडिया फ्रॉम दिस डिस्कशन. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन राइट द कमेंट वो आप अपना प्रॉब्लम या वो जो कंसेप्ट है यू कैन राइट हियर और यू कैन राइट इन टू द कमेंट बॉक्स. और ये जो भी वीडियो सीरीज है इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ ऑन अपनी फिजिक्स डॉट कॉम www.apnifysics.com पर आप ये सभी लेक्चर या इस टाइप के जो लेक्चर हैं अवेलेबल हैं और आप वहाँ से उनको वॉच कर सकते हैं. इनसे रिलेटेड जो क्विज या क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो मैं अपडेट करता रहूँगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द मैग्नेटिक मोमेंट इंट्रैक्शन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड.